अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बेबी शॉप। आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और सब आप लोग दुआ में याद रख रहे होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बेबी शॉप। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे और इंशाल्लाह दुआ में सबको याद रख रहे होंगे एक दूसरे को। अच्छा जनी जी, आज हम बनाएंगे ये एक फ्लावर, और फ्लावर उसके साथ ये पैटर्न्स बनाएंगे। ये किसी भी स्वेटर के ऊपर या किसी भी फ्रॉक के ऊपर लग सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर लें और शेयर कर दिया कीजिए। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। मैंने लिया है एक पिंक कलर और एक ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर लिए फॉर पैटल्स और ये फ्लावर के लिए। ठीक, हम स्टार्ट लेते हैं। स्लिप नॉट लेने के स्लिप प्लॉट करने के बाद आपने 25 चेन्स लेनी है। 25 चेन्स के बाद आपने करना क्या है कि एक यहाँ से 3 चेन्स को स्किप करके 1, 2, 3 और फोर्थ में आपने डबल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, फिर आपने 1 स्किप करनी है और नेक्स्ट में वी स्टिच करना है। आपने डबल क्रोशे, चेन 2, डबल क्रोशे, फिर 1 स्किप करके उसके बाद फिर से वी स्टिच आ गया। ओवरऑल आपने एंड तक इसके यही करने हैं। ठीक है, चलिए जी, मैंने कर लिया था 25 चेन लेने के बाद मैंने यहाँ पर फोर्थ चेन में डबल क्रोशे किया, फिर 1 स्किप करने के बाद वी स्टिच बनाया, फिर 1 स्किप करने के बाद नेक्स्ट में भी वी स्टिच करने के बाद एंड तक मैं ये वी स्टिच बना लिया। अब ये टोटल जो मेरे वी स्टिचेस आए हैं ये 11 वी स्टिचेस हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि चेन 1 करने के बाद आपने टर्न करना है और हर ये जो वी स्टिच है इसमें आपने 5 टाइम डबल क्रोशे करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और जो ये है गैप ये इसके अंदर, इसमें हमने सिंगल क्रोशे करके नेक्स्ट में वी स्टिच में हमने 5 डबल क्रोशे करना है। ठीक, ओके, आई हैव डन। और अब जो है मैं इसका धागा कट कर लूँगी। थोड़ा सा इसका लॉन्ग टेल इसकी करनी है ताकि आप जो है इसकी फिर ये देखिए। ठीक है, ये इसकी हो गई। अब हमने क्या करना है, इसका सुई में धागा डालकर ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक, बराबर हो गया। अब आपने इसका ये ऐसे टाइट साइज को करके सी देना है ताकि इसके सारे जो पार्ट्स हैं इस फ्लावर के अंदर एडजस्ट हो जाएं, इस नीडल के अंदर और थ्रेड के अंदर एडजस्ट हो जाएं। ठीक हो गया, ये देखिए एट द एंड आपने ये जो इसका टेल थी वो स्टार्ट वाली इनको गिरा लगा देनी है। चले अब हम बनाते हैं इसके पेटल। पेटल बनाने के लिए आपको इसके लिए चेन चाहिए होंगी 10 चेन्स और 10 चेन्स बनाकर मैं आपसे बात करती हूँ। चले जी, ये मेरी 10 चेन्स बन गई हैं। ये देखिए,
आई होप आपको सही से शो हो रहा हो। अच्छा, 10 चेन्स करने के बाद आपने एक स्किप करनी है, नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशे करना है आपने, ठीक। फिर नेक्स्ट वाली में, उससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे, और उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशे। और फिर उससे नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशे वन टाइम, और ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट चेन सेकंड टाइम, दो टाइम आपने दो दफ़ा ट्रिपल क्रोशे करना है। फिर आपने रिपीट करना है पैटर्न, डबल क्रोशे पे आ जाना है नेक्स्ट चेन में, फिर हाफ डबल क्रोशे पे आ जाना है, फिर जो है सिंगल क्रोशे पे, ठीक हो गया। फिर आपने करनी है चेन वन, और इसको अब जो नेक्स्ट उसका है पार्ट, जो चेन नेक्स्ट चेन की साइड है उस पर आकर आपने सिंगल क्रोशे करना है, ठीक। ये सिंगल क्रोशे हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया हाफ डबल क्रोशे, फिर हो गया डबल क्रोशे, और फिर ट्रिपल क्रोशे दो दफ़ा नेक्स्ट चेन में, टू चेन्स में। फिर हाफ, फिर डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, और फिर नेक्स्ट लास्ट चेन में सिंगल क्रोशे करने के बाद आपने, सॉरी, इधर आके आपने इसका स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसका सुई में धागा डालिए, और फ्लावर के साथ इसको बैक साइड से ऐसे कर लेना है, सिलाई कर लेना है, ठीक। और दूसरी पत्ती भी इसके साथ, इसकी जो दूसरी पैटर्न वो है लीव इसका वो भी कर लेना है। अब दोनों लीव्स आपके इसके अटैच कर लेने हैं सुई के साथ पके करके, और जिसकी चीज़ की भी ऊपर आपने लगाना है वो लगा दीजिए, ठीक जनाब।